परमात्मा बेहद आवश्यक संदेश। यूनिवर्स आपके प्रश्नों के उत्तर आज इस चिट्ठी में भेज रहे हैं। हर दिन तुम्हारे मन में उठने वाले हजारों विचार का तूफान मुझ तक पहुंच ही जाता है, फिर भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे मन को नहीं पढ़ सकता? आज मैं तुम्हें एक गुण रहस्य बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे आने वाले भविष्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए सकारात्मक एवं सार्थक ही सोचने का प्रयत्न करें। जब जब एक ही पल के लिए तुम्हें ऐसा लगे कि तुम सब कुछ हार रहे हो, तब तुम अपने उन पलों का स्मरण करो जब तुमने कुछ अच्छा किया था। अपने जीवन के उन पलों को याद करो जब तुमने अपने डर पर जीत हासिल की थी। याद करो जब तुमने स्कूल और कॉलेज की परीक्षाएं में जीत हासिल की थी। उन सभी छोटी छोटी खुशियों को याद करो जब तक के जीवन में तुम्हें जो खुशी मिली। ऐसी स्मृतियां तुम्हारे अंदर एक नवीन ऊर्जा को प्रवाहित करेगी और भय का नाश करेगी। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वह एक छोटे से दीपक के प्रकाश को मिटा सके। फिर तुम्हारे अंदर में जो हजारों दीपक का प्रकाश छुपा है, फिर तुम किससे डरते हो? अपना सारा स्वयं बनाएं, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि जो परिश्रम करते हैं वह सभी हाथ की लकीरें को नहीं देखते हैं। परिश्रम एवं विश्वास से भाग्य को भी बदला जा सकता है। तुम्हारा काम है अपनी पसंद के काम को खोजना। उसे खोजो और फिर उसे काम में खुद को पूरी तरह से लगा दो। यही सफलता का वास्तविक मार्ग है। सफलता किसी को दूसरे के मार्ग पर चलने से नहीं, अपितु अपने लिए स्वयं मार्ग बनाने से मिलती है। मेरे बच्चे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अपने आसपास के जीवों की सहायता करो। खुद को नकारात्मक लोगों एवं नकारात्मक विचारों से दूर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास देता हूँ कि तुम मेरी ही पनाह में सुरक्षित हो। आशा करता हूँ तुम मेरा प्रेम से भरा पत्र पाकर प्रसन्न होंगे और पत्र पढ़कर मुझे सूचित अवश्य ही करोगे। Type yes if you believe divine blessings.